Cause I just wanna go, go, go to the deep end. TechnoReviewww में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं अफोर्डेबल ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग। हमारे पास आए हैं DIZO GoPods और GoPods नियो। ये DIZO क्या है, ये DIZO क्या है? हाँ, ये ख्याल हमारे दिमाग में आता है लेकिन डीप पे जाने की जरूरत नहीं है। रियल मी जो टेक लाइफ है उसके अंडर आपको ये DIZO ब्रांड मिलता है और उन्होंने अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ये उन्होंने लेटेस्ट ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए है, अफोर्डेबल रेंज के होंगे। DIZO GoPods को 4000 या उसके नीचे होगा और आई थिंक सो DIZO GoPods नियो जो है वो 3000 या उसके नीचे होगा। कॉम्पिटेटिव प्राइस हो सकती है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाके आप चेकआउट करिए। यहां पर दोस्तों दोनों की बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों में वैसे ज्यादातर सब कुछ सेम है। दोनों में आपको टाइप सी केबल यहां पर मिलता है, दोनों में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है और दोनों में आपको कुछ कागजात यहां पर मिलते हैं। अब यहां पर दोस्तों सीधे आते हैं ईयरफोन्स की तरफ और पहले बात करते हैं GoPods नियो की। ये आपको कुछ ऐसे क्या बोलते हैं इसको यार, वो राउंडेड पेबल्स बोलते हैं, हाँ वैसे शेप का आपको यहाँ पर मिलता है। काफ़ी छोटा सा, एकदम कॉम्पैक्ट है, पूरे हाथ में ये बंद हो जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों वैसे ये बिल्ड जो है वो पॉलीकार्बोनेट है और थोड़ा मैट उन्होंने यहाँ पर फिनिशिंग दिया है। आपको सामने इंडिकेटर मिलता है, पीछे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, अच्छी बात है। और अंदर की साइड अगर ईयरबड्स की बात करें तो आपको इस तरीके के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स मिलते हैं और ये भी दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट है। हालांकि जो ये जो टच एरिया है ये थोड़ा सा मिरर फिनिशिंग है तो देखने में दोस्तों थोड़ा अच्छे लगते हैं और आप लिटरली अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं जो काफी छोटा दिखता है। जैसे इन पर आपको डुअल माइक मिलते हैं नॉइस कैंसलेशन के लिए, विच इज नाइस। और इनकी जो फिट है वो भी बहुत अच्छी है, ऐसे कर्व्ड है और कानों में पहनने के बाद दोस्तों अच्छा लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है और कान से जल्दी निकलता भी नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। और इनका जो वेट है वो 4.5 ग्राम्स ईच है, मतलब लाइट वेट है और चार्जिंग केस के साथ कुछ लगभग 36 ग्राम्स का होता है तो इतने ज्यादा हैवी नहीं है। और साथ ही साथ IPX5 रेटिंग्स भी आपको मिलती है, मैं सिर्फ ईयरबड्स की बात कर रहा हूँ, चार्जिंग केस नहीं है। DIZO GoPods की बात करें तो ये दोस्तों आपको ये भी आपको बिल्ड देखेंगे पॉलीकार्बोनेट है, हालांकि थोड़ा सा एयरपॉड्स स्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ग्लॉसी है, आपको अलग अलग कलर्स भी मिलेंगे, इसमें भी सामने इंडिकेटर है और नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। और इसका भी जो बिल्ट है वो मुझे वैसे अच्छा लगा है, मैग्नेट वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। और जो ईयरफोन्स है अंदर ये थोड़े डिफरेंट और मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं, इस तरीके की आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलती है। ये जो स्टेम है ये काफ़ी बड़ा सा है, वाइट और ब्लैक यहाँ पर कॉम्बिनेशन है और साथ में वैसे ये भी थोड़ा सा ग्लॉसी यहाँ पर मटेरियल है, ये भी आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। और इनके भी जो फिट है कानों में वो अच्छी है, मतलब कान में पहनने के बाद सर कितना भी मैंने हिलाया वो निकलता नहीं है जल्दी, कर्व्ड भी है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। इन पर भी डुअल माइक है नॉइस कैंसलेशन के लिए और साथ ही साथ ये भी IPX5 आपको रेटिंग्स मिल जाती है। और ये दोस्तों अराउंड 4.1 ग्राम्स ईच है इनकी अगर वेट की बात करूँ और चार्जिंग केस के साथ लगभग ये 34.5 ग्राम्स का होता है तो ये हल्के से लाइट वेट है अगर उसको GoPods नियो से कंपेयर करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का इस्तेमाल किया है। रेंज और कनेक्टिविटी आपको इस मामले में यहाँ पर काफी अच्छी मिलेंगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको दोनों ही जो है वो रियलमी लिंक ऐप से कंपैटिबल है, आप उनको उससे कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज आपको उनमें मिलती है। देखिए दोस्तों, पहले तो बात करूं दोनों में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है। जी हाँ, और ये दोस्तों आप रियलमी लिंक ऐप से जाके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। और साथ में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है, अगर आपको बाहर की भी आवाज सुनना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के अलावा दोस्तों दोनों में आपको गेम मोड मिलता है, यानी कि 88 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी मोड है तो गेमिंग के लिए भी दोस्तों ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और उसके अलावा अगर ऑडियो की बात करें तो दोनों में आपको 10mm के जो वो ड्राइवर्स मिलते हैं, हालांकि जो GoPods नियो है इसमें आपको 10mm के डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स मिलते हैं जबकि जो GoPods है इसमें आपको 10mm के हाई रेजोल्यूशन वाले डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि थोड़े बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं है ऑडियो में, लेकिन मैंने जब टेस्ट किया तो GoPods जो था ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था, इसका बेस वगैरह मुझे थोड़ा हल्का बेटर लगा था जब मैंने GoPods नियो से यहाँ पर कंपेयर किया था। बैटरी की बात करते हैं तो दोनों में आपको चार्जिंग केस में 400mAh की बैटरी मिलती है और जो GoPods है इनमें आपको ईयरबड्स की बात करें तो 30mAh बैटरी मिलती है, मैं ईच बोल रहा हूं, और जो GoPods नियो है इसमें आपको 40mAh ईयरबड्स में बैटरी मिलती है ईच। और दोनों में दोस्तों अगर बैकअप की बात करें तो जो GoPods है ये 25 आवर्स आपको बैकअप देगा, मतलब एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया सिंगल चार्ज विद चार्जिंग केस तो उतना आपको बैकअप मिल सकता है और जो GoPods नियो है ये 28 आवर्स आपको बैकअप देगा। हालांकि GoPods में आपको क्विक चार्ज भी, अगर आपने 10 मिनट चार्ज किया तो 120 मिनट तक आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, GoPods नियो में वैसे आपको क्विक चार्ज नहीं मिलता है।
फाइनली दोस्तों ऑडियो एक्सपीरियंस मेरा इनमें कैसा था उसकी बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए दोस्तों, गो पॉड्स जो है ये थोड़ा बेटर लगता है, एडवांस लगता है, और इसमें आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं। आप अपने हिसाब से बेस बूस्ट, आपको जैसा चाहिए आप कैटेगरीज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो स्टेम है, इस पर आपको डबल टैप करने से, पॉज प्ले ट्रिपल टैप करने से आप स्किप कर सकते हैं वगैरह की चीजें मिलती है। और इनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, मतलब फंक्शनिंग है और काफी अच्छा काम करता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और जो गो पॉड्स नियो है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपको कस्टमाइज करने मिलता है आपको किस तरीके की ऑडियो यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है। और साथ में इसमें भी जो ऑडियो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था मुझे, लेकिन मैं जैसे कि कहा गो पॉड्स जो है वो थोड़ा बेटर है, थोड़ा क्योंकि वो थोड़ा इससे महंगा वाला है, तो वो उसका एक्सपीरियंस वहां पर इससे ज्यादा अच्छा था। लेकिन साथ ही साथ इस पर भी जो टच एरिया है, ये जो मिरर वाला एरिया है, इस पर आप भी डबल टैप करिए ट्रिपल टैप करिए, तो इसका भी रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर काफी अच्छी लगी थी। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसा एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चालू होगा, सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट, हाँ आप सुनाई दिए, खैर तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम कुछ आपके लिए स्पेशल करते हैं और ऑडियो एक्सपीरियंस आपको रियल टाइम में सुनाते हैं। बजाओ। लजिंदा हो। तो यहाँ पर दोस्तों जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगा, मुझे इनकी बिल्ट जो है, मतलब बिल्ट तो पॉलीकार्बोनेट लेकिन खूबसूरत है, देखने में अच्छे लगते हैं जो गो पॉड्स है, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसके साथ साथ ये जो ईयरफोन से इनकी जो डिजाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ दोस्तों गो पॉड्स नियो भी देखने में काफी अच्छे लगते हैं, और इनमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, आपको ऐप से जो कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब फ्यूचर में अगर कुछ बग्स वगैरह हुआ तो वो अपडेट हो सकते हैं। और उसी के अलावा दोस्तों बैटरी बैकअप वगैरह भी अच्छा है, और भी बहुत सारी चीज आपको मिलती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर ये इंडिया में आते हैं, हमें वही देखना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको सब कुछ दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप चेकआउट करिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।